ध्यान रहे आप कभी हील नहीं हो सकते, कभी ठीक नहीं हो सकते, या आप किसी को ठीक नहीं कर सकते अगर आपने ये छोटी सी बात को नहीं समझा कि हीलिंग होती कैसे। जी हाँ, आज बहुत गंभीर चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। चाहे आप कितने भी बड़े हीलर हों, आप किसी को हील नहीं कर सकते। या सेल्फ हीलिंग भी करना चाहते हैं तो खुद को हील नहीं कर सकते। मैं सिर्फ हीलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिसीवर हैं, जो पेशेंट हैं, या लाइफ के किसी भी स्तर पे, किसी भी जगह पे आप फंसते हैं तो खुद को हील करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये छोटी सी गलती की तो। वो गलती क्या है, क्या नहीं करना है और क्या एक्चुअली करना है, उस पर आज मैं चर्चा करूँगा। बहुत गंभीर विषय है, अगर आप इससे इग्नोर करते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, और इसलिए वो हील नहीं हो पाते, वो खुद को हील नहीं कर पाते, या अपने मरीजों को, अपने पेशेंट्स को, अपने रिसीवर को हील नहीं कर पाते, है ना। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी छोटी सी लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात, बहुत छोटा सा शब्द है, कर्म, कर्मा इंग्लिश में जो बोलते हैं। जब तक कर्मों को हील नहीं करते, जब तक कर्मों को नहीं काटते, जब तक कर्मों को साफ नहीं करते, जब तक कर्मों से बाहर नहीं निकलते, जब तक कार्मिक अकाउंट को क्लियर नहीं करते, जब तक कर्मा को बैलेंस नहीं करते, तब तक आप हील नहीं हो सकते या किसी और को हील नहीं कर सकते। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे करेंगे। बताता हूँ। रिकी में कई ऐसे सिंबल्स हैं, कई नहीं, दो ही ऐसे सिंबल्स हैं जो कर्मों को शुद्ध करते हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ तो वो कर्मों को शुद्ध नहीं करते, वो सिर्फ टूटे हुए पत्तों को, गिरे हुए पत्तों को साफ करते हैं। नहीं समझ में आया जी? जो हरे पत्ते लगे हुए हैं, जहरीले पत्ते, वो उन्हें साफ नहीं कर सकते जो रेकी के ये सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं। उन्हें तोड़कर गिराना खुद रिसीवर का काम है। कैसे? मैंने कई बार समझाया है, अलग अलग तरीके से समझाया है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स में, आप लोगों के डीएम्स में जब मैंने देखता हूँ कि ये छोटी सी बात बहुत लोगों को इनडायरेक्ट फॉर्म में समझ में नहीं आ रही है, इसलिए सीधे सीधे इस स्तर पर आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। कर्मों को साफ करने का सिर्फ एक तरीका है, क्षमा दान प्रार्थना। जब आप माफी मांगते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो और माफी मांगो, नहीं, माफी मांगने का मतलब ही ये है कि जब आप पश्चाताप में आते हैं, जब आप अंदर से पश्चाताप करने लगते हैं, जब आपको ये महसूस होता है कि गलत हो गया है, गलत कर लिया गया है, और आप माफ़ी मांगते हैं, आप क्षमादान मांगते हैं, और उस क्षमादान के साथ जब कोई हीलर आपको हील करता है या आप खुद अपने आप को हील करना शुरू करते हैं, तब आपके कर्मा साफ होने लगते हैं, अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि आपके बुरे कर्म आपके बुरे विचारों से जन्मे थे। कुछ क्षमादान आपके अच्छे विचारों से मिलेंगे, और आप जब अच्छे विचार करेंगे तो सबके लिए प्रार्थना भी करेंगे, यानी कि संसार के लिए प्रार्थना करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, खुद के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों को क्षमा करेंगे, खुद को क्षमा करेंगे। तो इन विचारों की वजह से, क्योंकि आपने दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी, आपका कार्मिक अकाउंट अच्छा होने लगेगा, आप पुण्य की तरफ जाने लगेंगे, आपका जो गड्ढा है वो भरते जाएगा, जो डेट है वो क्लियर होता जाएगा, और इस तरह से आप ऊपर उठने लगेंगे, आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगेगी। मैं ये हीलर्स को समझा रहा हूँ कि वो अपने रिसीवर को ये चीज़ समझाएं। अगेन, अगर आप हीलर हैं और किसी और को हील कर रहे हैं, तो आपको भी अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर रखना है
हर रात सोने से पहले क्षमा प्रार्थना करके सोएं। क्षमा प्रार्थना कैसे करते हैं, इस पर मैंने एक मेडिटेशन बनाया है, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, उसको कान में लगाओ और सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्षमा प्रार्थना कैसे की जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके थ्रू ही करो, नहीं, बस समझने के लिए। अगर आपको गाइडेंस मिलता है उससे तो बार बार करिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। आसान हो जाता है क्षमा प्रार्थना करना, क्योंकि क्षमा प्रार्थना में सबसे इम्पोर्टेंट खुद को क्षमा करना और खुद से माफ़ी मांगना, ये बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है क्षमा प्रार्थना का। अच्छे कर्म करने के लिए आप दान कर सकते हैं, आप पुण्य कर सकते हैं, लेकिन जब तक विचार शुद्ध ना हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम है कि उनके कर्म खराब हैं, लेकिन क्योंकि उनके हाथ में पैसा है तो वो दोनों हाथों से दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन विचार वहीं के वहीं रहते हैं। तो जड़ें ख़त्म नहीं होती, हाँ वो जहरीला पौधा जो उगा हुआ है वो कट रहा है ज़रूर, लेकिन जड़ें जिंदा रहती है। क्षमा प्रार्थना करने से वो जड़ भी सूख जाता है और मिट्टी बन जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आपके अंदर जो पश्चाताप है, जो ग्लानी है कि गलत हो गया है, अब ये गलत नहीं होना चाहिए था, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं इस गलत हुए हुए से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, ये भाव आपको आगे बढ़ाएगा, इस भाव से ही आप हील हो पाएंगे। अदरवाइज़ आप कितनी भी मेहनत कर लें, नहीं हो सकता। तो हीलिंग प्रैक्टिस चाहे जो भी हो, आप कोई भी ध्यान कर रहे हो, रात को सोने से पहले सबसे अच्छा समय वही है, आप कोई भी समय भी अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय वही है कि रात को क्षमा प्रार्थना करके मुक्त होकर सोएं, क्योंकि बहुत सारे धर्मों में, तकरीबन सारे धर्मों में क्षमा प्रार्थना का महत्व बताया गया, प्रार्थना का महत्व बताया है, और प्रार्थना में क्षमा मांगना सबसे इम्पोर्टेंट। और क्षमा प्रार्थना का मतलब सिर्फ क्षमा मांगना नहीं होता, क्षमा करना भी होता है, माफ़ी देना भी होता है, और तब जाके आप कर्मों से मुक्त होते हैं। और जब आप मुक्त होते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं, तभी आप हील होना शुरू होते हैं। तो चाहे अपनी स्किन को हील कर रहे हो, चाहे बालों को हील कर रहे हो, चाहे घुटनों को हील कर रहे हो, चाहे हड्डियों को, चाहे रिश्तों को, चाहे पैसों को, चाहे घर के वास्तु को, कुछ भी हील कर रहे हो, क्षमा प्रार्थना ज़रूर करना। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते अजय।